हेलो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में हर किसी के पास इतना ज़्यादा स्पैम कॉल आता रहता है। कोई बोलता है क्रेडिट कार्ड बनवा लो, कोई बोलता है बैंक में लोन ले लो, इतना ऑफर दिया जा रहा है। कोई बोलता है मेरा एक प्रोडक्ट खरीद लो, इतना ऑफर दिया जा रहा है आपको। स्पैम कॉल को देखने के लिए ट्रू कॉलर का यूज़ करता है हर कोई। तो ये ट्रू कॉलर यूज़ करना क्या सेफ है, ट्रू कॉलर वर्क कैसे करता है, ट्रू कॉलर का बिजनेस मॉडल क्या है, ये दोस्तों देखते हैं आज की इस वीडियो में। ट्रू कॉलर ने अपने नए सर्वे में ये पाया कि ट्रू कॉलर ऐप में पॉपुलर ट्रू कॉलर है। ट्रू कॉलर यहाँ पर आपको एक कॉलर आईडी एंड एक स्पैम ब्लॉकिंग का काम में आता है। कोई भी अगर स्पैम नंबर से आपका कॉल आता है तो आपका पूरा स्क्रीन में रेड कलर का हो जाता है, जो कि वो स्पैम कॉल होता है। कोई भी अगर अननोन मंथ आपको कॉल करता है तो उसका एक नाम आता है, जो कि वो जो आपको कॉल करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि काम कैसे करता है, पता कैसे करता है कि स्पैम नंबर है, ये आपको ये नंबर से जो कॉल करे इसका नाम ये है। तो बेसिकली जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो उस टाइम आपको आपका मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स जो एक्सेस है वो देना पड़ता है, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देना पड़ता है। एंड जब भी आपके जैसे कोई और यूज़ करते हैं तो ऐसे ऐसे करके उसके बाद हर किसी के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल आ जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट 100 कॉन्ट्रैक्ट है तो 100 कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी नंबर है वो आपका जो भी सेव हुआ है, अगर उसके पास ट्रू कॉलर नहीं भी रहेगा तो वो नंबर ट्रू कॉलर के पास चला जाएगा। एंड वो अगर किसी को कॉल करेगा तो उसका जो नाम है आप फोन में सेव हुआ वो नाम दिखाएगा। बात करता है कि ट्रू कॉलर का जो स्पैम कॉल की वो कहाँ से वो पता करता है। सोच लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड वाला आपको कॉल करता है तो वहाँ पर आपको क्या होता है, कोई रिपोर्ट कर देता है नंबर पर कि परेशान करता रहता है बार बार क्रेडिट कार्ड से। तो कोई अगर रिपोर्ट करता है तो ऐसे ऐसे करके अगर बहुत आदमी रिपोर्ट करेगा तो यहाँ पर जाके वो ट्रू कॉलर देख लेता है कि इस पर ज़्यादा रिपोर्ट आ रहा है, इस पर स्पैम कॉल बोला जाए, तो वहाँ पर वो नंबर को स्पैम कॉल करके रेड कलर का दिखाता है। ट्रू कॉलर ने हर साल ग्लोबली मिलियन और बिलियन कॉल को ब्लॉक करता है और करोड़ों रुपया स्कैमर के हाथ से स्कैम होने से बचाता है। ट्रू कॉलर एक इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका हेड ऑफिस स्वीडन में है, जो कि ट्रू कॉलर एक स्वीडन कंपनी है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रू कॉलर के प्राइवेसी को लेके, जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स से जो कि कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस लेता है। तो दोस्तों अगर आप एक डायलर ऐप यूज़ करते हो तो उनको तो एक आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या है वो तो पता रहना चाहिए ना। नहीं तो आप डायलर ऐप यूज़ करोगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट में कौन करना है उसको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा। और जो भी स्पैम कॉल आता है वो पता कैसे करेगा, उसको भी पता रहना चाहिए ना कि कौन स्पैम कॉल है, कौन क्या कॉल कर रहा है। और आपको कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो जो बंदा कॉल कर रहा है वो कॉल कौन कर रहा है वो भी तो देखना है ना। इसीलिए उसको जो कि कॉन्टैक्ट आपको जो कॉन्टैक्ट का एक्सिस है वो उसको चाहिए होता है। ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सिस है वो लेके किसी और को वो सेल कर देगा, कोई और किसी एप्लीकेशन को वो सेल कर देगा। अगर सेल भी करेगा तो एप्लीकेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट का नंबर लेके क्या भी कर लेगा। अगर आपका कोई पर्सनल डिटेल्स आप अगर शेयर नहीं करते हो तो आपको जस्ट वो नंबर लेके क्या भी कर लेगा, जस्ट आपको कॉल ही तो करेगा और कुछ तो नहीं कर सकते ना। इन्हें जस्ट बोला कि अगर सेल कर भी देगा तो क्या करेगा, लेकिन वो जो एप्लीकेशन ट्रू कॉलर है वो सेल नहीं करता है। अगर आप गूगल में जाके भी सर्च करोगे ना ट्रू कॉलर सेफ या नहीं है, आपको वहाँ पे भी रिजल्ट मिल जाएगा कि ट्रू कॉलर एक सेफ एप्लीकेशन है। अगर बात करते हैं दोस्तों ट्रू कॉलर की SMS के बारे में, ट्रू कॉलर के SMS को अगर आपको जितना भी इंपॉर्टेंट SMS रहता है वो अलग आपको दिखाता है, एंड जो भी स्कैमर जो SMS करता है वो भी आपको देख के पता चलता है कि स्कैम में SMS आ रहा है, और एक जो कि आपको इंपॉर्टेंट SMS है आपको देखने के लिए वो भी मिल जाता है। और भी फ्रेंड्स ट्रू कॉलर में UPI भी जो कि चालू किया था, एंड UPI के थ्रू आप वहाँ से बैंक भी लिंक करके UPI भी कर सकते थे। एंड दोस्तों एक न्यूज़ भी आया था कि ट्रू कॉलर से मतलब ऑटोमेटिक भी बैंक में SMS कर रहे हैं, वहाँ से आपको मतलब परमिशन लेके वो ऑटोमेटिक वहाँ पे SMS कर रहे हैं। तो एक ट्रू कॉलर का जो ऐप का एक फॉल्ट था वो दोबारा ठीक किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रू कॉलर के बिजनेस मॉडल के बारे में, ट्रू कॉलर आखिर पैसा कहाँ से कमाता है। दोस्तों अगर ट्रू कॉलर का जो फ्री वर्जन है अगर वो यूज़ करते हो तो आपके पास शायद देखना ऐड आता रहता है। आप कॉल करते हो तो कॉल को कट करते हो तो उस टाइम आपके पास ऐड आता रहता है। आप एप्लीकेशन के अंदर भी जाते हो तो वहाँ से आपको ऐड आता रहता है। तो ऐड जब आता है वो ऐड के थ्रू वो पैसे कमाता है, नंबर वन हो गया। एंड दूसरा हो गया उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वर्जन, जो कि आपको वहाँ से भी वो सब्सक्रिप्शन अगर कोई लेगा तो वहाँ से भी उसका जो कि पैसा वहाँ से भी कमाता है। एंड जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसको कुछ अलग सा फीचर्स मिल जाएगा, एंड वहाँ पर उसको ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर
कोई बड़ा बड़ा कंपनी है वो कॉल करता है आपको, कोई मतलब वो कॉल करता है किसी को, वहाँ पर वेरिफिकेशन टिक रहता है। तो वेरिफिकेशन टिक ले देने के लिए वो ट्रू कॉलर वो कंपनी वाला से और भी एक बिजनेस के लिए पैसा लेता है। मतलब तीन तरीके से वो बिजनेस तरीके से वो पैसा कमाता है ट्रू कॉलर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हो कहीं अगले वीडियो में। और दोस्तों 26 जनवरी में एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना जरूर।